आप देख रहे हैं ARTV चैनल। साबिक सदर नशीम वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को इत्तफाक राय से रियासती हज कमेटी का सदर नशीम मुंतखब कर लिया गया है। कमेटी के 16 अरकान के मुतफ़क़ा फैसले से मोहम्मद सलीम का इंतखाब अमल में आया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, TRS के रुकन कौंसिल फारूक हुसैन, सदर नशीम वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां और कमेटी के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की शालपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया। मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की। साबिका मेंबर, साबिका चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से सलीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ। साबिका में वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन में भी उन्होंने हम लोगों ने बहुत तहकीकात की, कभी एक पैसे का और रुपये नहीं हुआ इनके पीरियड के अंदर। कुछ काम पेंडिंग ज़रूर है, इंशाल्लाह अभी जिस तरह पूछा गया वो पूरा किया जाएगा। और जिस तरीके से CM साहब चाहते हैं, वक्फ बोर्ड एक अल्लाह की अमानत प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत करना वक्फ बोर्ड मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है और हज कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान की, जिसके अंदर हमारे दो मेंबर खास है। खास का मतलब पॉलिटिकल हमारे जाफर हुसैन साहब, हमारे फारूक भाई, दोनों एक MLC एक MLA है, असद भाई साहब MP साहब इसमें मेंबर है और तमाम हमारे कई डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदगी की गई। इस मरतबा मैं समझता हूँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट से 6-7 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ इतनी दूर आप लोग आए। और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि एक्टिव तरीके से हाजियों की खिदमत कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला एक बड़ा मौका दिया है हाजियों की खिदमत करने का और बहुत अच्छी तरीके से हम सलीम भाई से भी पहले भी जो वक्फ बोर्ड के थे इनके पीरियड में कभी एक ज़मीन कहीं बिकी नहीं है। यकीनन कुछ कब्जे हैं ज़रूर, उसे हटाए जाएंगे अच्छे, और वक्फ बोर्ड भी में पूरे डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनाए जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा काम किया जाएगा। हज कमेटी में भी बहुत अच्छा काम किया जाएगा, वो देख कर ही उन्हें हज कमेटी दी गई, इंशाल्लाह उनके दिल में जज्बा है हाजियों की खिदमत करने का। इंशाल्लाह इस मरतबा भी सदर साहब और तमाम मेंबरान मिलकर बहुत अच्छी तरीके से हाजियों की खिदमत करेंगे। और मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तरीका सिस्टम होता है हाजियों की खिदमत करने का वो ज़रूर मुकम्मल तरीके से जितने हाजियों का हमारे पर ड्रा हो चुका है उन तमाम को जिस तरह भिजाना है, जैसा जैसा फ़्लाइट से इंतजाम है वहाँ जाएंगे, छोड़ेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं। हम लोग वहाँ तक एम्बुलेंस रखते हैं, हाजियाँ जाने तक एयरपोर्ट पे भी रखते हैं एम्बुलेंस, आज नहीं तेलंगाना बनने के बस से। हमारे CM साहब भी काफ़ी बजट देते हैं, मैं आनेबुल CM साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मेम्बरान और हमारे MLA साहब MLC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने यूनानी मस्ती ने मुंतखब किया है, इंशाल्लाह उसी तरीके से काम करेंगे। तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मेरी बात ख़त्म करूँ। थैंक यू। शैतानिरजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इजलास हज कमेटी के लिए यहाँ पर मुनक्किद किया गया था, जिसका मेन उनवान था कि तमाम 16 मेंबर्स जो नए नए हज कमेटी के बने हैं उन लोग मिलकर उनमें से कोई एक को मुंतखब करके चेयरमैन बनाने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया था। ये इजलास के जो मेन इंचार्ज थे वो शाहनवाज कासिम साहब, वो इलेक्शन कराने के ज़िम्मेदार थे। उन्होंने आज ये चीज़ यहाँ पर लाके मेंबर के सामने रखा कि इसमें से कौन चेयरमैन बनेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर्स मुत्तफ़िका राय से जनाब मोहम्मद सलीम साहब को एज ए चेयरमैन मुंतखब किया है। मैं इनको मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला जिसको पसंद करता है उससे काम लेता है। लोग समझ रहे हैं कि सलीम साहब डी ग्रेड हुए हैं, मेरी नज़र में सलीम साहब को अल्लाह सुबहाना व तआला ने एक बहुत बड़ा मौका और एजाज़ दिया है, जिसके लिए वो हाजियों की खदमत के लिए इनको अब की मरतबा मुंतखब किया गया है। ये अल्लाह का करम है, मैं आया अब तो मुझे खुशी इस बात की हुई, जब ये पुराने चेयरमैन थे तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस थी, अल्लाह ने सेकंड फ्लोर पे ऑफिस लाया तो इसके ऊपर लेके आया। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं सलीम साहब को। अब रिया सवाल ये कि आने वाले टाइम पे जो हाजियों का जो काफिला यहाँ से जाता है तेलंगाना से, जुमला 1822 हाजी खुरा अंदाजी के अंदर इनका नाम आया है,
उमन अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि शायद कोई मेंबर या चेयरमैन हाजियों को रिकमेंड करके उनको हज को भेजा सकता है। मैं साफ कहना यह चाहता हूं कि एक मेंबर या चेयरमैन या हुकूमत भी चाहिए तो यहां से नहीं दे सकती। सेंट्रल हज कमेटी एक्ट है, वहां से खुरा अंदाजी होती है। ये खुरा अंदाजी पिछले महीने की 30 तारीख को ऑलरेडी हो चुकी है, 1822 लोग को सेलेक्ट कर दिए हैं, उसी के साथ साथ खादिमुल हज्जाज को भी सेलेक्ट करे हैं। अब ये जो कमेटी का काम रहेगा, यहाँ से जो हाजी जाने वाले हैं उनकी सहूलत के लिए, उनको रहने के लिए, उनके ताम का इंतज़ाम, उनको लेकर जाके एयरपोर्ट को पहुँचाने का इंतज़ाम, या अगर उनको कोई चीज़ की तकलीफ है तो उसको गाइड करने का इंतज़ाम, ये तमाम के तमाम के लिए ये कमेटी मौजूद है। और मुझे अल्लाह का करम है, इस कमेटी के अंदर बहसियत है मसीह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बने हैं, पिछले टाइम पे वो हज कमेटी चेयरमैन थे, उनको भी काफ़ी तजुर्बा है, उनका तजुर्बा भी हम इस्तेमाल करते हुए ये हज 2022 के अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे ताकि ये हाजी जाके अच्छे सेहत के साथ जाए और अच्छा इंतज़ाम हो ताकि वो लोग वहाँ जाकर दुआ करें हम सब के लिए। मैं लोगों के साथ साथ हमारे बड़े भाई मोहम्मद महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इलेक्शन होने के बाद वो आए हैं ताकि चेयरमैन साहब को मुबारकबादी दे, और उसके बाद जैसे भी है आइंदा मीटिंग के अंदर जायज़ा लिया जाएगा जो भी खिदमत हो सकती है हाजियों के लिए, बेहतर के बेहतर खिदमत करने के लिए हम हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो अल्लाह के मेहमान हैं ये मेहमानों को अच्छी से अच्छी सहूलत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डुप्लीकेट सलमान खान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बताया गया है कि डुप्लीकेट सलमान खान, जिनका नाम आजम अंसारी बताया गया, सड़क के बीचों बीच वीडियो बनाया करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। मुकामी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया गया। आजम अंसारी के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। DCP साउथ जोन साई चितनिया ने इतवा दिया है कि अमन के माहौल को मुतासिर करने वाले सरगर्मियों के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। DCP ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में हथियारों के साथ घूमते हुए और खौफ का माहौल पैदा करने वाले दो गैंगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि 8 मई को इतला मिली थी कि माया गैंग और समीर गैंग के अरकान हथियारों, स्टिक, बेसबॉल के साथ घूम रहे हैं। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए दोनों ग्रुप के अफराद को गिरफ्तार किया। DCP ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। एक सेकंड सर, कल मैंने 8 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आई कि दो गैंग्स यहाँ पे लौड़ा और चाकू, बेसबॉल बैट वगैरह लेके बाइक पे पूरा शहर पे, मैंने ये संतोष नगर एरिया पे घूम रहे और लोगों को डरा रहे। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारा संतोष नगर पुलिस पूरा स्टाफ उनको उस एरिया पे जाके उन लोग एक्चुअली वो है या नहीं पता कर लिया, और जैसे ही पता चला कि वो बंदा सच में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पे डर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा पुलिस
ट्रैक्टिकली जाके उन लोगों को सबको पकड़ा। और ये दो गैंग है, माया गैंग और समीर गैंग, जब पूछताछ हुई उन लोग बोला कि दो गैंग का ये लोग पार्ट है, एक माया गैंग और एक समीर गैंग। माया गैंग पे कि सैयद सहीलुद्दीन, सोहेल बिन साइद, शेख अहमद बिन अब्दुल रहमान अल अमोदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सोहेल, शेख आफ्ताब अली। वैसे समीर गैंग पे लोग है कि मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद समी, ये टोटल 8 लोग हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं। और जो आर्म्स जो जैसे स्टिक, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, रॉड, नाइफ, तलवार लेके घूम रहे हैं और लोगों पे डर ला रहे हैं। माने उन लोगों का ये कि वहाँ पे माहौल को ख़राब करना, इन लोग रॉडी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन लोग को जैसे कि इन्फॉर्मेशन आया हम तुरंत पकड़ लिया और उन लोग का जो आज उन लोग के ऊपर केस आर्म्स एक्ट के अंदर केस डाल के जेल भेज रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे रॉडी एलिमेंट्स है उन लोग को साउथ जोन पुलिस साइड से हम एक तरीके का वार्निंग दे रहे हैं, कोई आप रॉडी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे तो आप भी लीगल एक्शन फेस करेंगे और करस्पॉन्डिंग केसेस रजिस्टर किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेक्शन पे आपको रिमांड भी किया जाएगा। तो और एट द सेम टाइम सारी जनता का ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको कभी भी पता चलेगा कि वैसे रॉडी एलिमेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं और लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए ताकि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा पीसफुल रहे। थैंक यू। रुकने असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर AIMM व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुरमागुड़ा में सरकारी स्कूल में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का अफ्तः अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली के अलावा दिगर मौजूद थे। विदिता चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सुनीता गौड़ की जानिब से बालनगर राजू कॉलोनी के एक कमेटी हॉल में 30 गरीब अफराद जिनमें बेवा, यतीम और ज़ईफ अफराद के खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। ये प्रोग्राम मदर्स डे के मौके पर किया गया। इस मौके पर बालनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर शरीफ, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद सूफी, महिला डिवीजन प्रेसिडेंट कविता रेड्डी, सुनीता गौड़ के अलावा दिगर मौजूद थे। सीनियर सिटीजन्स आध्वर्यंलो रामचंद्रय गारी आध्वर्यंलो मरी अदे विधंगा विदाता चारिटेबल ट्रस्ट वारी सहकारंतो ई रोजु 30 मंदी वृद्धुलकु नित्यावसर वस्तुलु सरफरा चेयडं इव्वडं जरिगिंदि। मरी विदाता चारिटेबल ट्रस्ट चैर्मन సుజాత గారు మరి సేవ చేయాలనే మంచి గుణంతోటి వృద్ధులకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా గత 71 నెల నుంచి కూడా ప్రతి నెల సీనియర్ సిటిజన్స్ ట్రస్ట్ ద్వారా మరి రామచంద్ర గారు సేవలు అందిస్తున్నారు, అందులో భాగంగా ఈరోజు విదాతా ట్రస్ట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది। మంచి కార్యక్రమం, వృద్ధులకు వారికి ఆదరణ కోల్పోయి పిల్లలు చూడలేని పరిస్థితిలో వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారికి ఎంతో నెలకు సరిపడే సరుకులు ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం। మంచి కార్యక్రమం చేపట్టిన వారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇంకా కూడా ఎవరైనా దాతలు ఉన్నచో వారికి ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం। ఇంకా కూడా 30 మంది కాదు, రేపు ఎక్కువ మందికి కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు కల్పించాలని మరి రామచంద్రయ్య గారి సహకారంతో కంపల్సరీ తప్పకుండా కూడా ఆ కార్యక్రమం చేపడతామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। థ్యాంక్ యూ। ఇలా 25 మెంబర్స్కి ఇచ్చారు, 30 మెంబర్స్కి ఇచ్చారు ఇక్కడ। ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ। సీనియర్ సిటిజన్ రామచంద్రయ్య గారి వారు 6 సంవత్సరాల నుంచి నడిపిస్తున్నారు, వారి సంస్థ నడిపిస్తున్న ద్వారాలో నాది వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నా విదాత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నేను 25 మంది వృద్ధులకు పెద్దవారు 70, 80, 90 లోపల ఉన్న పెద్దవారికి నేను ఈరోజు మొత్తం ఒక 5 కేజీ రైసు, ఒక కందిపప్పు, గోధుమ పిండి, చక్కెర, కారం, ఉప్పు, పసుపు అలాంటి ఒక వారం రోజులు సరిపోనే ఒక సౌదాలు నా సోమత తగ్గట్టు నేను వాళ్ళకి అందజేస్తున్నాను। కాబట్టి నాకు మా అన్నగారు కార్పొరేటర్ బాలనగర డివిజన్ కార్పొరేటర్ రావుల రవీందర్ రెడ్డి అన్నగారు నాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు। ఇలాంటి రామచంద్రయ్య గారు, నా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరూ కూడా, అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా నాకు ఎనీటైము నాకు అండగా ఉండి అమ్మ మేము ఉన్నామని అంటూ మీరు డెవలప్మెంట్ చేయి విదాత ట్రస్ట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని అందరూ సహాయం అందిస్తున్నారు। వారి సహకారంతో నేను ఈరోజు 5వ సంవత్సరం నడిపిస్తున్నాను, కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ప్రత్యేకంగా మా కార్పొరేటర్ అన్న
ఎనీ టైం అమ్మ నేనున్నానని అంటూ మా ఆవుల రవీందర్ రెడ్డి అన్నగారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ థ్యాంక్ యూ. रुकने असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने आज हमारी बस्ती हमारे स्कूल के तरक्याती कामों का अफ्तिता अंजाम दिया. इस मौके पर कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दिगर मौजूद थे. भैया थोड़ा फोटो రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మరి బోర్బన డివిజన్లో వాళ్ళు ఉండటం జరిగింది. ఈ రెండు పాఠశాలల్లో టాయిలెట్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్, లోపల పెయింటింగ్స్, రకరకాల స్కూల్కి సంబంధించిన మరమ్మతులన్నీ కూడా చేయడానికి 62 లక్షలు వాళ్ళ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 62 లక్షలు రెండు స్కూల్స్ కలిపి మరి సీఎం కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా ఉండాలి. మరి పేద ప్రజల పిల్లలు బిడ్డలు అందరూ కూడా ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్తో పోటీగా చదివించాలనే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఇవాళ వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కలిపి 7,000 కోట్లు దీనికి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓన్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాల మరి 7,000 కోట్లలోని భాగంలో మరి వాళ్ళ జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలోని ఈ బోర్బన్ డివిజన్లో ఈ రెండు స్కూల్స్ శాంక్షన్ అయిన అమౌంట్ 62 లక్షలు దానికి వాళ్ళ మేము ముహూర్తం పెట్టి వాళ్ళ ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ వేయటం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం టోటల్గా జూబ్లీస్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో 17 స్కూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది. ఈ 17 స్కూల్స్కి బడ్జెట్ కూడా 2 కోట్ల బడ్జెట్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ 17 స్కూల్స్లో ఫస్ట్ కోటల్ అంటే టోటల్గా జూబ్లీస్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ 39 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. ఈ 32 స్కూల్స్లో ఫస్ట్ 17 స్కూల్స్ తీసుకున్నారు. ఈ 17 స్కూల్స్ ఫస్ట్ టాయిలెట్స్ కానీ, పెయింటింగ్స్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, ఫర్నిచర్ కానీ ఇట్లాంటి రకరకాల అన్నీ కూడా ఈ చదువుకునే పేద విద్యార్థులకి ఏదైతే అనుకూలంగా కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మరి దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మీర్చోక్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ హసీబుల్లాని ఆజ్ MGBS బస్ స్టేషన్ కే ఖరీబ్ MV యాక్ట్ రూల్స్ కే బారే మే ఖుసూసన్ ఆటో డ్రైవర్స్ కే లియే షౌర్ బేదారీ ప్రోగ్రామ్ మునఖద్ కియా. ఆయే దేఖ్తే హై ఇస్కే కుచ్ ఝల్కియా. आप देख रहे हैं ARTV चैनल.